हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए आज आईटीसी लिमिटेड पे चर्चा करने वाला हूँ। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखें ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, वक्त को ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं। आईटीसी लिमिटेड एनएसई का ये वनडे का चार्ट है, प्राइस चार्ट, जो कि आपको देखने से ऐसी ही मालूम होना चाहिए कि ये प्राइस चार्ट क्या अभी बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संभला है प्राइस चार्ट, आईटीसी का प्राइस संभल करके अब ऊपर की ओर चलने के लिए तैयार हो चुका है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। थोड़ा और इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। आईटीसी, जिसका की स्थापना 24 अगस्त 1910 में कोलकाता में हुआ था, हेडक्वार्टर कोलकाता में है, नंबर ऑफ एम्प्लाइज 23,725 है 2023 के अनुसार, और रिवेन्यू 48,151 करोड़ इंडियन रुपीज में है 31 मार्च 2021 के अनुसार। सब्सिडियरीज आईटीसी होटल्स और भी है कुछ। इससे संबंधित न्यूज जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दो दिन पहले का ऑप्शन ट्रेड, ए स्ट्रेटेजी टू बेनिफिट फ्रॉम साइडवेज मोमेंट इन आईटीसी। दूसरा है जो कि मिंट के द्वारा है, 3 आवर्स पहले का, तो आईटीसी शेयर प्राइस हाइलाइट्स, आईटीसी क्लोज टुडे एट 432.25 रुपया डाउन 0.08% अपने प्राइस से। और तीसरा है जो कि ये भाषा मुझे आता नहीं है, और चौथा है वनडे, वो मतलब एक दिन पहले का, आईटीसी डीमर्जर रिकॉर्ड डेट 2024 अनाउंसमेंट कमिंग सून। तो लगभग लगभग इसमें सभी न्यूज खास है इस शेयर के लिए। बाकी आप लोग भी इसकी जांच पड़ताल करते रहिए कि शेयर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसका बैलेंस शीट को चेक कीजिए, और जितना हो सकेगा मुझसे उतना मैं इसको बताऊंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। अब एक नज़र डालते हैं, आईटीसी को जानने की कोशिश करते हैं nseindia.com वेबसाइट पे। तो यहाँ पर आईटीसी लिमिटेड, जिसका कि शेयर प्राइस 432.60, प्रीवियस क्लोज 433 रुपया और ओपन 430.55 पे, हाई 434.40 और लो 430.20, क्लोजिंग 432.30 यहाँ पर है। ऑर्डर बुक जहाँ पर कि बाई क्वांटिटी अभी भी लगा हुआ है 841 का, जो कि 432.30 पे, बट सेल क्वांटिटी कुछ भी नहीं शो हो रहा है। आज के डेट में ट्रेडेड वैल्यूम लाख में है 103.53, काफ़ी अच्छा इस शेयर में ट्रेड हुई है, वॉल्यूम ट्रेड, और डिलीवरी ट्रेडेड क्वांटिटी 56.13%, काफ़ी अच्छा डिलीवरी में उठाया गया है। एनएसई जो कि इस वेबसाइट पर दिखाया जा रहा है, तो डिलीवरी परसेंटेज काफ़ी बेहतर है पहले की अपेक्षा, यानी कि ऐसा माना जा सकता है कि जितना इसमें डाउन ट्रेड बनना था उतना बन गया, जितना नीचे में गिरना था लगभग लगभग उतना गिर चुका है। अब ट्रेंड बनने वाली है
इस शेयर में। इस शेयर में दो अपडेट न्यूज है 12 जून 2024 का, जो कि लॉस डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट XBRL और दूसरा भी है लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। तो ये दोनों अपडेट न्यूज है जो कि 12 जून 2024 का है। इससे पहले 11 जून 2024 का भी एक है, एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीट कॉन कॉल ऑफ, इस तरीके का न्यूज है जिसमें कि कुछ को मैं कवर करूंगा आगे। एक और बात, किसी भी शेयर में जब डिविडेंड का एक्सपायरी डेट होता है तो उसके बाद में थोड़ी सी गिरावट आती है शेयर प्राइस में, जो कि 4 जून 2024 को इसका डिविडेंड का एक्सपायरी डेट था ₹7.50 पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद में गिरावट हुई है और लगभग जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है तो इन्वेस्टमेंट भी आप ही का होना चाहिए और आप ही के दिमाग से होना चाहिए। बाकी किसी भी यूट्यूबर का वीडियो देख करके किसी भी शेयर में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना चाहिए। इसका रिजल्ट देखते हैं तो क्वार्टरली 31 मार्च 2024 का तो टोटल इनकम 18,551.46 करोड़ में है और नेट प्रॉफिट 5,020.20 ये भी करोड़ में है और अर्निंग पर शेयर ₹4.02। उससे पहले यानी कि 31 दिसंबर 2023 में ₹4.47 था EPS और 30 सितंबर 2023 को तो उसमें ₹3.96, उससे पहले भी ₹3.94 था। तो इसका EPS यानी कि जो प्रॉफिट हुई है बहुत ही अच्छा हुआ है ऐसे टाइम के लिए, और ये क्वार्टर फोर का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है मेरे सोचने के अनुसार। अब एक नज़र डालते हैं screener.in वेबसाइट का नाम है इस पर, ITC लिमिटेड जो कि ₹432 शेयर प्राइस 12 जून 4:41 PM का है टाइमिंग। इसमें शो हो रहा है मार्केट कैप 5,39,714 करोड़ का, करेंट प्राइस ₹432, 52 वीक का हाई लो 500 यानी कि 500 और 399 यानी कि 399। स्टॉक पी 26.4 का, ROCE 37.5% और ROE 28.5%। तो काफ़ी अच्छा है ROE और ROCE इस शेयर के लिए। डिविडेंड यील्ड 3.18% का है, फेस वैल्यू ₹1 का, बुक वैल्यू ₹59.70 बट शेयर प्राइस ₹432 है। स्टॉक पी जो कि 26.4 है तो एवरेज है, स्टॉक पी 20 से ऊपर है और इतनी बड़ी कंपनी के लिए 20 और 40 के बीच में हो पीई तो काफ़ी अच्छा है मेरे सोचने के अनुसार। एक नज़र इसका बिजनेस पे डालते हैं तो 1910 में स्थापित ITC इज द लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर इन द कंट्री। ITC ऑपरेट्स इन 5 बिजनेस सेगमेंट एट प्रेजेंट। क्या क्या है तो FMCG सिगरेट्स, FMCG अदर्स, होटल्स, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस। तो इस तरीके का बिजनेस है तो काफ़ी अच्छा है इसका बिजनेस भी। सबका अपना अपना नज़रिया होता है बिजनेस को एनालिसिस करने का, मेरा भी अपना नज़रिया है। मेरा ये सोचना है कि इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है
वन ईयर का प्राइस चार्ट जो कि दिख रहा है आप लोगों को, तो ये प्राइस चार्ट देखने से मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ ही समय में इसमें अच्छी खासी रैली बनेगी, यानी कि ऊपर की ओर, जो कि प्राइस लगभग लगभग ये हो सकता है कि 470 और 480 के बीच में ट्रेड करेगी बहुत ही जल्दी। बाकी लॉन्ग टाइम के लिए ये शेयर अभी तक के लिए तो अच्छा है, बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस, यानी कि जानकारी के लिए। इस शेयर में प्रोज और कॉन्स 4 और 3 के बराबर है, यानी कि प्रोज 4 है और कॉन्स 3 है। देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ करके समझने का कोशिश कीजिए। बाकी स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.24 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से 7.24 टाइम्स ऊपर में ट्रेड कर रही है। प्रोज में जो खास है तो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, स्टॉक इज प्राइवेट प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.18%। तीसरा है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आरओई ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स आरओई 27.5% है। चौथा है, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 92.4%, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट है परसेंटेज। पीयर कंपैरिजन के मामले में आईटीसी एक नंबर का कंपनी है और इसका पी 26.37 है, जो कि और अदर कंपनियों के मामले में इसका पी ऊपर में है। तो ये थोड़ा सा ये मेरे समझ से माइनस पॉइंट है। क्वार्टरली रिजल्ट मार्च 2024 के अनुसार इसका सेल्स जो है दिसंबर 2023 की अपेक्षा थोड़ा सा कम हुआ है नाम मात्र का, जो कि 17,923 करोड़ का हुआ है। दिसंबर 2023 में 18,019 करोड़ का था। और एक्सपेंस जो है दिसंबर 2023 में 11,516 करोड़ का हुआ था, वहीं पे मार्च 2024 में 11,296 करोड़ का, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 2024 में दिसंबर 2023 की अपेक्षा अच्छा रहा, जो कि 6,626 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 37% का है। अदर इनकम भी है काफ़ी अच्छा, 682 करोड़ का। अदर इनकम नॉर्मल में ही है 684 करोड़ का, और एक्सेप्शनल आइटम में -2 करोड़ का है। तो अदर इनकम भी पॉजिटिव साइन है इस शेयर के लिए। इंटरेस्ट 13 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 461 करोड़ का, जिसके वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,834 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 5,191 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 5,407 करोड़ का था। अब EPS 4.10 रुपया है, पिछले क्वार्टर में 4.28 रुपया था, तो पिछले क्वार्टर की अपेक्षा थोड़ा सा डाउन में EPS है, बट उससे पिछले क्वार्टर की अपेक्षा प्लस में है। तो रिजल्ट लगभग लगभग अच्छा रहा। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा है, इसमें भी देख सकते हैं 70,881 करोड़ का सेल्स है मार्च 2024 के अनुसार, और एक्सपेंस 44,627 करोड़ का है। अदर इनकम 2,720 करोड़ का, काफ़ी अच्छा अदर इनकम है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट जो है 20,751 करोड़ का, और EPS 16.39 रुपया है। डिविडेंड पे आउट 84%, जबकि पिछले साल में
100% का डिविडेंड पे आउट किया था। तो डिविडेंड पे आउट में भी ये शेयर अव्वल है मेरे समझ से। अब बैलेंस शीट एक नज़र डालते हैं तो इक्विटी कैपिटल 1248 करोड़ का है मार्च 2024 के अनुसार, और रिजर्व है इसके पास में 73,259 करोड़ का, काफ़ी अच्छा रिजर्व है इसके पास में। ब्रोइंग 9 के बराबर है, 303 करोड़ मात्र, कहाँ 73,000 करोड़ और कहाँ 303 करोड़, 9 के बराबर है। अदर लाइबिलिटीज 17,016 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटीज 91,826 करोड़ का। फिक्स एसेट भी है इसके पास में जो कि 27,830 करोड़ का है, और इन्वेस्टमेंट जो है 31,114 करोड़ का है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है अब इस शेयर में, और मतलब इस शेयर का टोटल एसेट 91,826 करोड़ का हो चुका है जो कि पिछले साल में 85,831 करोड़ का था। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2024 के अनुसार तो देख सकते हैं यहाँ पर FIH के पास में 40.95% का है, DH के पास में 43.76% का है, गवर्नमेंट के पास में 0.04% का है, और पब्लिक के पास में 15.23% का है। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें कि प्रमोटर शो ही नहीं हो रहा है। ये वेबसाइट का नाम है screener.in, इस वेबसाइट पे। बाकी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो जहाँ पर सितंबर 2021 में 25,68,030 था, वहीं पे अभी मार्च 2024 के अनुसार 36,48,537 हो चुका है। यानी कि इसमें इन्वेस्टरों का रुझान काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आगे भी और रुझान बढ़ती जाएगी इन्वेस्टरों का। तो ये भी ध्यान में रखिए दोस्तों, शेयर में कोई गलत न्यूज़ आता है या गलत देखने को मिलता है तभी इसका प्राइस डाउन ट्रेंड में लगातार बनेगी, अन्यथा रिजल्ट के अनुसार और इसका बिजनेस के अनुसार मेरे समझ से तो प्राइस में उतनी ज़्यादा डाउन ट्रेंड नहीं बनेगी, लेकिन अप ट्रेंड बनने की संभावना 80% है। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। तो आपका न्यूज 12 जून 2024 का है, ITC शेयर का, जो कि आपको दिख रहा है। सब्जेक्ट इंटीमेशन रिगार्डिंग लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, यानी कि शेयर सर्टिफिकेट जो है लॉस यानी कि गुम हो गया है, उससे संबंधित है जानकारी। डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ें और इसको समझने का कोशिश कीजिए। नेम ऑफ कंपनी ITC लिमिटेड, NSE सिंबल ITC और BSE स्क्रिप्ट कोड 500875। लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, किसका कितना क्वांटिटी का शेयर था जिसका कि सर्टिफिकेट लॉस हो गया है, वो सब इसमें विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख करके समझने का कोशिश कीजिए। एक और न्यूज है जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 10th जून 2024 का, पार्टिसिपेशन इन इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस। तो इससे संबंधित है न्यूज जो कि किस डेट का है, तो 12th जून 2024 का, कौन से मोड में, तो फिजिकल मोड में।
इसे भी पढ़िए और ध्यान दीजिए। किसी भी शेयर में अगर न्यूज अपडेट होते रहता है टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब है कि वो शेयर में अभी कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरे समझदारी के अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करिए दोस्तों। ओवरऑल लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शेयर अभी तक के लिए तो सही है, आगे पता नहीं, लेकिन अभी जैसा चल रहा है उसके अनुसार नेक्स्ट डे इसमें अप ट्रेंड 90% बनना चाहिए और बनेगा भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शेयर के लेकर के, नए अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।